धम्मपद गाथा कथा नंबर 109 109 सहस वग्गो अभिवादन शीलस्य निच्चं वुड्ढा पचायनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयु वर्णो सुखं बलं। ये जो कथा है, जो कहानी है, ये है दीघायु कुमार की। कुमार माने बच्चा होता है, जो माड़वक होता है। माड़वक को आज के समय में आप नवयुवक या माड़विका का मतलब है, नवयुविका, यंग। और जो कुमार है उसको, यंग से जो छोटा बच्चा होता है उसको कुमार करके बोला जाता है। कई बार कुमार यंग को भी बोला जाता है। तो कुमार माने एक तरह से छोटा बच्चा है। एक बार एक गृहस्थ माता पिता अपने एक कुमार बच्चे को लेके, छोटे 7-8 साल के बच्चे को लेके भगवान बुद्ध के विहार में जाते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध दीक्षा देशना देते हैं और विहार करते हैं, रहते हैं। वहाँ वो नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। भगवान बुद्ध उनका नमस्कार अभिवादन स्वीकार करते हैं। और बच्चा अभिवादन नमस्कार नहीं करता, ये बात देखकर बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वहाँ जो माता पिता होते हैं उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो बच्चे को नमस्कार के लिए बोलते हैं, मगर नमस्कार का संस्कार तो सिखाया नहीं। इसलिए अगर सिखाया होता तो वंदना करता, नमस्कार करता। बच्चा थोड़ा, चूंकि जैसा संस्कार उसको देंगे वैसा ही उसको आता है। तो उसके व्यवहार को देखकर और चेक कर जो वहां भिक्खु संघ होता है उसे थोड़ी सी हैरानी होती है। और वो कहते हैं कि भगवान, ये तो जिस तरह से इसका व्यवहार, आचार व्यवहार पल रहा है, इसकी आयु ज्यादा तो रहेगी नहीं। इस आयु के ज्यादा ना होने से माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि मेरा जो बेटा है वो ज्यादा आयु का नहीं रहेगा। और सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे भी ज्यादा आयु का जिए, पुत्र है या पुत्रिका है। तो भगवान बुद्ध से अनुविनय करते हैं, याचना करते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि इस बच्चे की आयु बढ़ जाए। तब भगवान बुद्ध, भगवंता, भगवान, भगवा, भगवान, भागवान, उनको जो गाथा और जो नियम बताते हैं उस नियम से आयु बढ़ती है, ऐसा धम्मपद में 109 में गाथा कथा में बताया गया है। कुछ जगह ये जो कथा है जो मैंने आपको सुनाई है बड़ी चमत्कारिक रूप से दर्ज की गई है। चमत्कारिक रूप से इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने देखा और कहा कि ये जो बच्चा है ये तो 7 दिन के अंदर मर जाएगा। और फिर वो बड़े चिंतित होते हैं, फिर सारे भिक्खु वहाँ इकट्ठे होते हैं और फिर गोला बना के घेर के वहाँ पे पैतृण पाठ का जाप करते हैं, जप करते हैं। और फिर कहते हैं कि अब इसकी आयु बड़ी हो गई, एक यक्ष है, यक्ष इसको मार देता, अब यक्ष नहीं आया, वो चला गया और अब ये जिएगा। फिर पूछते हैं कितना जिएगा, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब ये 120 वर्ष जिएगा। दरअसल भगवान बुद्ध ने कोई चमत्कार आज तक की डेट में ना किया, क्योंकि मनुष्य थे, चमत्कार कहीं होते भी नहीं है। मगर आचार व्यवहार बदलने से या नियम बदलने से या जीवन का खान पान बदलने से या जीवन को बदलने से आयु कम ज्यादा हो जाती है, ये बात सच है। कोई आदमी शराब पिएगा तो उसकी आयु कितनी भी ज्यादा हो, मगर शराब पी के तो जल्दी मरेगा ही। और कोई जहर खा ले तो 120 वर्ष की कोई आयु वाला अभी मर जाएगा 120 सेकंड में। और कोई आदमी बीमार है और अपना इलाज कराए तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, अगर उसका इलाज ठीक है तो। किसी आदमी को अगर ठंड लगती है, ठंड में उसकी आयु कम है, तो गर्मी में चला जाए तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। कोई आदमी को खाना नहीं पच रहा है और वो ऐसी दवाई खा ले, खाना पचे तो उसका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। किसी आदमी का शरीर अगर बलिष्ठ है और वो ऐसी दवा खा ले या ऐसी वातावरण में चला जाए या उसको खाना ना ना मिले तो वो कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक पेड़ पौधे की तरह है, जैसे पानी मिलता रहेगा, खाद मिलता रहेगा, पोषक तत्व मिलते रहेंगे, मौसम ठीक रहेगा तो पेड़ बढ़ेगा, ऐसे ही मनुष्य है। ये नियम सारे भगवान बुद्ध ने बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं। कोई भी सूत्र या कोई बात भगवान बुद्ध ने अगर कभी कही है तो वो पढ़ने से या पढ़ाने से या जाप करने से किसी का कोई भला नहीं कर सकती। भगवान बुद्ध ने कभी जीवन में पाठ के लिए, सूत के लिए, जप के लिए कहा ही नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। तो इस गाथा में देखें कि वो क्या कह रहे हैं बेसिकली। अभिवादन शीलस्य निच्चन वुड्ढा पचायनो। अभिवादन शीलस्य यानी अभिवादन का शील को, यानी अभिवादन के शील को। और अभिवादन का शील क्या है, किसी भी व्यक्ति का आप अभिवादन करें जो आपसे बड़ा है, जो जानकार है, उसका इज्जत करें, उसका मान करें, उसका सम्मान करें, इस नियम को अपनाएं। निच्चन माने नित्य यानी रोज, वुड्ढा
पचाइन्यू, बुढ़ा माने वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, जानकार हो गया। पचाइन्यू का माने जो पच चुका है, पक चुका है, ऐसा व्यक्ति का जिसका आप सम्मान करें, मान करें, इसकी बात को माने, जो बूढ़ा है, ज्यादा उम्र का है, समझदार है, पक चुका है। पक का मतलब है ज्ञानवान है, पक चुका है। चत्तारो धम्मा वटंती, तब क्या होगा? चत्तारो धम्मा वटंती, आपके चार प्राकृतिक चीजें बढ़ेंगी, बढ़ती हैं। कौन कौन सी हैं? आयु वर्णो सुखंग बलंग, एक तो आपकी आयु बढ़ती है यानी कि उम्र बढ़ती है, एक आपका वर्ण, आपका चेहरे का जो रंग है वो बढ़ता है, आपका नूर बढ़ता है। चेहरे का रंग का मतलब है कि आपकी ख्याति चारों तरफ बढ़ती है, आपका नूर बढ़ता है, आपकी चमक बढ़ती है। सुखंग, एक आपको सुख मिलता है, सुख आपका बढ़ेगा, आपके पास दुख कम आएगा। और एक बलंग, एक आपकी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग आपके फेवर में हो जाएंगे। ये चार बातें बढ़ती हैं अगर आप अपने घर के बुजुर्ग को रोज नियम से अभिवादन करें और उनकी बात को माने, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं, तो आपका आयु बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका सुख बढ़ेगा और आपकी ख्याति बढ़ेगी। और ये वास्तव में बढ़ती भी है। अगर आप अपने घर के बुजुर्ग का या औरों के जो बुजुर्ग हैं उनका अगर मान सम्मान करेंगे तो वो चारों तरफ आपकी प्रशंसा करेंगे। वो कहेंगे कि देखो फलाने का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और वो बहुत ही सज्जन है, और इससे आपकी चारों तरफ ख्याति बढ़ेगी। ख्याति का मतलब आपका वर्ण यानी आपका रंग बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी। और सभी लोग आपको अच्छा मान के आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, तो आपका कोई द्वेषी नहीं होगा, तो मन में कोई आपके पाप आएगा नहीं, तो आपकी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि पाप उम्र को घटा देता है। और सभी लोग आपकी सहायता करेंगे तो आपका सुख बढ़ेगा, और सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे तो आपका बल बढ़ेगा। ये नेचुरल फिनोमिना है, कहीं कोई पाठ करके चमत्कार भगवान बुद्ध ने कभी नहीं किया, इसको ध्यान रखें। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु।
साधु। कामेश निठटर विरमन सिखाप धिंस्माध्यामी कामेश निठटर विरमन सिखाप धिंस्माध्यामी कामेश निठटर विरमन सिखाप धिंस्माध्यामी।